रूस यूक्रेन जंग को आज 121 दिन हो चुके हैं। दोनों देश इस जंग को खत्म करने की पहल करते नहीं दिख रहे हैं। रूस यूक्रेन पर चारों दिशाओं से हमला कर रहा है। पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है और पूरे यूक्रेन की अगर बात करें तो मौजूदा समय में यूक्रेन के 27 इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा है। अभी भी कीव पुतिन की पहुंच से दूर है, लिहाजा कीव पर विजय पताका लहराने के लिए अब पुतिन नए सिरे से रणनीति तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते शुक्रवार को मॉस्को में बेलारूस, कजाकिस्तान और रूस के रक्षा मंत्रियों ने कीव पर पकड़ बनाने के लिए खास तरह के सैन्य अभियान की एक रूपरेखा तैयार की है। रूसी हमले से धराशायी हुई इमारतों के मलबे से लोगों के शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। मारियोपोल, बूचा, खेरसान, डोनबास, बोरोडियांका और खार्किव समेत यूक्रेन के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर यूक्रेनी राहत बचाव दल मलबों की सफाई में जुटी है। कुछ दिनों पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक इमारत के बेसमेंट से 200 लोगों के शवों के मिलने का खुलासा किया था। बीते शुक्रवार को यूक्रेन स्टेट इमरजेंसी के डिप्टी चीफ ने एनाटोली ने यह दावा किया कि खार्किव इलाके में राहत बचाव दल को 179 शव मिले हैं। डिप्टी चीफ ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि शवों की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि उनकी शिनाख्त कर पाना मुश्किल है और साथ ही अनाटोली ने यह भी कहा कि खार्किव को 30% इलाका रूसी सेना के कब्जे में है और वहां भी इमारतों के मलबे में मृत यूक्रेनियों के शवों के होने की आशंका है। खार्किव के स्थानीय प्रशासन का कहना है कि रूसी हमले की वजह से खार्किव में अब तक 860 नागरिकों की मौत हो चुकी है। पश्चिमी यूक्रेन के खार्किव में यूक्रेनी फौज की स्क्वाड टीम ने यहां पर एक रिहायशी इमारत से लगभग 500 किलो के बम को डिफ्यूज करने में कामयाबी हासिल की। दरअसल 3 महीने पहले इस बम को रूसी फौज ने हवाई हमले के दौरान इमारत पर गिराया था, लेकिन यह बम अभी तक नहीं फटा। इमारत के मलबों की सफाई करते वक्त राहत बचाव दल की नजर इस पर पड़ी, जिसके बाद आनन फानन में स्क्वाड टीम बम को डिफ्यूज करने के काम में जुट गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय रहते इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। अगर समय पर इसे डिफ्यूज ना किया जाता तो इससे भारी नुकसान यूक्रेनी सेना को होता। बम के फटने से कई नागरिकों समेत कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो सकती थी। यूक्रेन को राजनीतिक और सामरिक स्तर पर और मजबूत करने के प्रयास में जेलेंस्की ने बड़ी सफलता हासिल की है। यूक्रेन को और मजबूत करने के लिए जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता हासिल करने की पहल की थी। अब यूक्रेन को ईयू की हरी झंडी मिल गई है। यूरोपीय संघ आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन ने रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन के सैन्य अभियानों की सराहना करते हुए यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की सदस्यता का सही हकदार बताया है। यूरोपीय संघ में उम्मीदवारी का दर्जा मिलने के बाद जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के प्रति आभार जताते हुए इसे ईयू का साहसिक कदम बताया है। यूक्रेनी सशस्त्र बल का कहना है कि बोरेविस्के में उसकी सेना रूस हमले में नाकाम करने में यहां पर सफलता हासिल की है। सशस्त्र बल के जनरल स्टाफ के हवाले से जानकारी के मुताबिक रूसी हमलावर मरना डोलिना इलाके में गुपचुप तरीके से सैन्य अभियान की तैयारी कर रहे थे। यूक्रेन खुफिया विभाग की तरफ से सशस्त्र बल को इस बात की सूचना दी गई, जिसके आधार पर जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेनी जवानों ने रूसी सेना के खतरनाक सैन्य अभियान को नाकामयाब कर दिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि अभी भी लुहांस्क और दोनेत्स्क में दोनों देशों की सेनाओं के बीच घमासान जारी है और यहां पर औसतन दिन में रूसी फौज 30 से 40 बार हमले कर रही है। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में दोनों देशों के बीच छिड़ा घमासान दिन बीतने के साथ गहराता जा रहा है। रूस इन इलाकों पर अपने कब्जे की दावेदारी कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि उसके फौजी इलाके से रूसी सेना को पीछे धकेलने के लिए डटकर मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन मिलिट्री ने दावा किया है कि दक्षिणी यूक्रेन में उसके सैन्य दस्ते ने रूस के 44 जवानों को मार गिराया है। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशनल कमांड का कहना है कि उनके लड़ाकों ने साउथ फ्रंट लाइन के इलाके में तैनात रूसी सैन्य टुकड़ी पर लगातार 5 मिसाइलें दागी, जिनमें 44 रूसी हमलावरों की मौत हो गई है। यूक्रेन सशस्त्र बल का कहना है कि रूसी सैन्य हथियारों समेत उनके वाहनों को भी तबाह करने में उन्हें कामयाबी मिली है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले के लंबा खिंचने से अब यूक्रेन सैन्य हथियारों की किल्लत से जूझ रहा है। यूक्रेन को मदद में मिले सैन्य हथियारों का जखीरा अब खत्म होने की कगार पर है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मददगार देशों से सैन्य हथियारों की जल्द आपूर्ति की अपील की है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा है कि अमेरिका की तरफ से भेजा गया हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को मिल चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिए गए $1 बिलियन की सैन्य मदद पैकेज के मुताबिक एक हिस्से के तौर पर अमेरिका ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को भेजा है।
लुहांस्क इसके स्थानीय मिलिट्री प्रशासन के चीफ सेरही हेजई ने बताया कि रूसी सिपाही जानबूझकर लुहांस्क को दूसरे शहरों से जोड़ने वाली सड़कों और पुलों पर मिसाइल दागकर उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं ताकि लुहांस्क में रूसी सेना का मुकाबला कर रही यूक्रेनी लड़ाकों को किसी तरह की सैन्य मदद न पहुंचाई जा सके। हेजई ने बताया कि रूसी सेना लुहांस्क के मेन एंट्री पर लगातार हवाई हमले कर रही है और यहां की सड़कें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। आलम यह है कि यहां से कारों की आवाजाही ही हो सकती है। रूसी सिपाहियों ने सड़कों को इस कदर तबाह कर दिया है कि यहां से ट्रकों और भारी वाहनों का गुजरना पूरी तरीके से बंद हो चुका है। यूक्रेनियन नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल सीसीडी ने यूक्रेन के नागरिकों से अपील की है कि वो यूक्रेनी सेना के मूवमेंट को किसी से भी शेयर न करें। सीसीडी का कहना है कि यूक्रेनी सेना के मूवमेंट की जानकारी मिलने के चलते रूसी सेना उनकी हर चाल को नाकाम करने में कामयाब हो रही है और जानकारी का फायदा उठाकर रूसी लड़ाके घात लगाकर यूक्रेनी जवानों को मौत के घाट उतार रहे हैं। सीसीडी ने बताया कि यूक्रेनी फौज की हर हलचल का खुलासा होने के चलते कई इलाकों में उनकी फौज रूसी सेना से हारने को मजबूर हुई और उन्हें मोर्चा छोड़कर पीछे हटना पड़ा। रूस रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि सैन्य हथियारों की भारी किल्लत के चलते यूक्रेनी सिपाहियों को लुहांस्क के सेवेरोदोनेत्स्क का मोर्चा छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। रूस समर्थित लुहांस्क पीपल्स पार्टी एलपीआर ने बताया कि पिछले दो हफ्तों से लुहांस्क के इंडस्ट्रियल इलाके पर कब्जा जमाने के लिए रूसी फौज अंधाधुंध हमले कर रही है। इस इलाके में डटी हुई यूक्रेनी सेना के हथियारों का जखीरा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रातों रात अपने फौजी दस्ते को मोर्चा छोड़कर वापस लौटने के लिए कहा। सेवेरोदोनेत्स्क के ओजोट केमिकल प्लांट पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन अब इस इलाके को छोड़कर यूक्रेनी सेना जा चुकी है, लिहाजा लुहांस्क के इंडस्ट्रियल एरिया पर अब पूरी तरीके से रूसी फौज का कब्जा है। पूर्वी यूक्रेन में भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच घमासान है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा है कि दक्षिणी यूक्रेन में उनकी फौज भले ही हारती दिख रही है, लेकिन पूर्वी यूक्रेन में उनकी फौज ने बढ़त हासिल कर ली है और यहां के कई इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बीते शुक्रवार को लवीव में यूक्रेनी फौज ने के 80वीं हवाई हमलावरों के ब्रिगेड ने रूस के का-52 एलिगेटर चॉपर को मार गिराया। यूक्रेनी हवाई ब्रिगेड का कहना है कि लवीव में रूसी एलिगेटर चॉपर यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर गोली दागने की फिराक में थी कि तभी उसके सैन्य दस्ते ने हवाई हमला कर चॉपर को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने का रास्ता रूसी फौज के लिए धीरे धीरे साफ होता नजर आ रहा है। कीव के आसपास के 7 इलाकों पर रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। निप्रो नदी के एक छोर पर कीव है तो दूसरी तरफ पोल्टावा डिनेप्रो पर रूसी फौज का कब्जा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूसी सेना अगर निप्रो नदी को पार करने में कामयाब हुई तो कीव पर जीत का पताका फहराने में उन्हें जरा भी वक्त नहीं लगेगा। कीव पर रूसी सेना के हमले के अंदेशों को लेकर यूक्रेनी नौसेना ने तैयारी शुरू कर दी है। नौसेना के कमांडर ओलेक्सी निस्पापा ने बताया कि निप्रो नदी में सैन्य नौकाओं की टुकड़ियों को तैनात किया गया है जो कि निप्रो नदी पार करने की कोशिश करने वाले रूसी सिपाहियों को रोकने का काम करेंगे। ब्रिटेन के खुफिया विभाग का दावा है कि यूक्रेन पर हमले के दौरान सबसे ज्यादा रूसी पायलट्स की मौत हुई है। यूक्रेन के जवाबी हमले में अब तक रूस के 216 फाइटर जेट और 183 हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए हैं। लगभग 400 से ज्यादा पायलट्स की जान इस दौरान गई है। ब्रिटेन इंटेलिजेंस का कहना है कि रूस के पास आज जेट फाइटर्स हैं लेकिन उनके संचालन करने के लिए उनके पास पायलट नहीं है, लिहाजा रूस अब अपने देश के रिटायर्ड पायलट्स की दोबारा नियुक्ति करने की योजना बना रहा है ताकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में वो अपने जेट फाइटर्स की ताकत दिखा सके। ब्रिटेन के खुफिया विभाग का कहना है कि बहुत से रूसी सैनिक ऐसे भी हैं जो कि यूक्रेन के खिलाफ जंग को अन्यायपूर्ण बताकर जंग के मैदान से वापस लौट रहे हैं। ऐसे में पुतिन की सैन्य शक्ति के कमजोर होने का अंदेशा बना हुआ है। यूक्रेन एयरफोर्स कमान का कहना है कि बीते शुक्रवार को यूक्रेन की वायुसेना ने रूसी आक्रमणकारियों के सैन्य ठिकानों को तबाह करने में सफलता हासिल की। एयरफोर्स ने कमान ने दावा किया कि उसके जवानों ने यूक्रेन के उत्तरी पूर्वी इलाके में रूस के SU-25 जेट फाइटर और SU-24M बमवर्षक विमान को हवाई हमले में मार गिराया। यूक्रेन वायुसेना के चीफ ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि यूक्रेनी सेना ने सुमी इलाके में रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि यूक्रेनी फौज ने हमले के दौरान रूस के गोला बारूद के एक डिपो 30 बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को तबाह करने में कामयाबी हासिल की है। बीते शुक्रवार को रूसी फौज ने दोबारा
निप्रोपोट्रिस में क्रिवी रिह जिले में तबाही मचाई और निप्रोपोट्रिस के सैन्य प्रशासन के प्रमुख वैलेंटाइन ने बताया है कि रूस सैनिकों ने इस इलाके में उर्गन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS से लगातार 25 बार हमले किए, जिसकी वजह से यहां की बची कुची इमारतें भी खंडर में तब्दील हो गई हैं। रूसी सेना ने लोगों के घरों में भी आग लगा दी। सैन्य प्रशासन का कहना है कि रूसी हमले से यहां किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, क्योंकि रूसी हमले के खतरे को देखते हुए पहले स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करवा दिया था। ISW ने संभावना जताई है कि आने वाले कुछ हफ्तों में रूसी सेना का सैन्य अभियान पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। ISW का कहना है कि चाहे रूसी फौज सेवेरोदोनेत्स्क लिसिचेंस्क को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले या नहीं, लेकिन इस बात का 100% अंदेशा है कि रूसी सेना को हथियारों की कमी की वजह से अपना कदम पीछे हटाना पड़ सकता है। ISW ने बताया कि दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग में रूस के अब तक 34,000 से ज्यादा सिपाही मारे जा चुके हैं और लगभग 9,891 छोटे बड़े सैन्य उपकरणों को यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया है, जिसके चलते रूस को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रूसी फौज बीते शुक्रवार को यूक्रेन के जेपोरिजिया इलाके में जमकर मिसाइलें दागती नजर आई। जेपोरिजिया के स्थानीय मिलिट्री प्रशासन ने बताया कि यहां रूसी सैनिकों ने लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल कर पूरे इलाके में लगभग 20 बार हमला किया। हमले में इलाके का बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से तबाह हो गया है। मिलिट्री प्रशासन ने किसी के हताहत होने की खबर से इनकार करते हुए कहा है कि रूसी हमले में जान के खतरे को देखते हुए पहले ही इलाके को खाली करवा दिया गया था। हमलावरों ने इलाके में जमकर तबाही मचाई और अब जेपोरिजिया के 60% इलाके पर रूसी फौज का कब्जा है। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में दोनों देशों के बीच घमासान जारी है। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में आने वाले दोनेट्स, डोनबास, इंजुम, मारियोपोल, लुहांस, खार्किव व खेरसान समेत कुल 11 शहरों पर रूसी सेना का कब्जा है। रूसी कब्जे से अपनी जमीन को वापस पाने के लिए यूक्रेनी फौज मोर्चे पर डटी हुई है। यूक्रेन साउथ ऑपरेशनल कमांड का दावा है कि बीते शुक्रवार को यूक्रेनी लड़ाकों ने दुश्मन देश के सैन्य ठिकानों पर लगातार 5 बार हमले किए, रूसी फौज के सैन्य ठिकानों को तबाह करने में कामयाबी हासिल की। यूक्रेन सशस्त्र बल ने रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया है। रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन का मददगार देश होने के नाते अब वो फिनलैंड के साथ किसी भी तरह के समझौते पर काम नहीं करेगा। मंत्रालय ने बताया कि रूसी विरोधी होने की वजह से अब रूस फिनलैंड के गैर सरकारी संगठनों के साथ चल रहे समझौते को खारिज कर रहा है। दोनेत्स्क और लुहांस्क में रूसी सैन्य कार्रवाई में रोड़े अटकाने का आरोप लगाते हुए दोनेत्स्क पीपल्स पार्टी DPR और लुहांस्क पीपल्स पार्टी क्रीमिया को यह रिपोर्ट सौंपी है कि फिनलैंड के गैर सरकारी संगठन रूसी सैन्य कार्रवाई को रोकने की साजिश कर रहे हैं, जिसके बाद क्रीमिया ने फिनलैंड के खिलाफ यह फैसला लिया है। रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि गैर सरकारी संगठनों को जरिया बनाकर फिनलैंड रूस के आंतरिक मामलों में अपना हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से रूस को फिनलैंड के खिलाफ ऐसा फैसला करने पर मजबूर होना पड़ा। रूस सैन्य बल उन इलाकों पर अब दोबारा निशाना साध रहे हैं जिन इलाकों को उसके सिपाहियों ने जंग के शुरुआती दिनों में तबाह किया था। यूक्रेन सैन्य बल ने बताया कि बीती रात रूसी हमलावरों ने दोनेत्स्क इलाके में 21 बार मिसाइलें दागी। यूक्रेन के शहरों को बर्बाद करने के बाद रूसी सेना गांव पर भी मिसाइलें दाग रही है। दोनेत्स्क के स्थानीय प्रशासन ने बताया कि रूसी हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। यूक्रेन के रक्षा बल ने बयान जारी कर यह भी कहा है कि रूसी सेना यूक्रेन के 15 शहर बखमुट, अवदिव्यका, स्नोहोरविका और इसके अलावा माइकोलिव, मारिंका के अलावा कई ऐसे शहर हैं जिसको वो निशाना बना रही है और हर घंटे कम से कम 5 बार हवाई हमले कर रही है। यूक्रेन के माइकोलाइव इलाके में रूसी हमले जारी हैं, साथ ही यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में भी रूस सेना जबरदस्त घेरेबंदी करती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी हमले में ज्यादातर निर्दोष नागरिकों की मौत हुई और इस तरह रूस बार बार युद्ध अपराध के नियम तोड़ रहा है और उसके तहत काम कर रहा है। माइकोलाइव के स्थानीय प्रशासन ने बताया कि रूसी बल यहां अंधाधुंध तोप के गोले बरसा रहे हैं। बीती रात रूसी हवाई हमले में 2 नागरिकों की मौत हुई। प्रशासन का कहना है कि रूस के शुरुआती हमले से लेकर अब तक माइकोलाइव में 1,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रूसी सेना हर इलाके में यूक्रेनी फौज पर हावी है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर रूसी लड़ाकों को यूक्रेनी सिपाही गजब की टक्कर दे रहे हैं।
यूक्रेन के जैपोरिजिया में कुछ ऐसा ही हुआ। इस इलाके को कब्जाने के लिए रूसी फौज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन यूक्रेनी फौज ने जवाबी हमला करते हुए रूसी सिपाहियों की कोशिश को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि जैपोरिजिया में रूसी लड़ाकों के घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इरपिन में 9 नागरिकों को बंधक बनाकर उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप में एक रूसी सिपाही पर यूक्रेन की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। इरपिन के स्थानीय प्रशासन का कहना है कि रूसी सैनिक ने 9 यूक्रेनियों को एक घर में बंद रखा और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध के नियमों का घोर उल्लंघन है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा है कि जंग के दौरान आम नागरिकों की हत्या और उनको प्रताड़ित करना युद्ध अपराध संहिता के नियमों को तोड़ने जैसा है और इसके लिए दोषी रूसी सिपाही के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान शहीद हुए नाजियों की याद में रूस में एक भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति आवास क्रेमलिन के आसपास के इलाकों को हजारों मोमबत्तियों से सजाया गया। इस दौरान रूसी कलाकार डांस ड्रामा प्ले के जरिए शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते नजर आए। दो दिन पहले यूक्रेन में भी द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए जेलेंस्की ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का हवाला देते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ना दोहराने की चेतावनी पुतिन को दी थी। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की दिक्कतें दिन बीतने के साथ भी और गहरी होती जा रही हैं। जंग के चलते यूक्रेन से वापस लौटे मेडिकल छात्रों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें भारत के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। बीते शुक्रवार को दिल्ली में यूक्रेन से वापस लौटे मेडिकल के छात्रों ने मेडिकल काउंसिल की इमारत के आगे धरना प्रदर्शन किया। खबरों के मुताबिक यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 22,000 भारतीय छात्रों को जंग की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग की वजह से इन छात्रों की पढ़ाई पर गहरा असर पड़ा है। जंग को लगभग 4 महीने गुजर चुके हैं और ऐसे में छात्रों को अपने भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है।